अगर दोस्तों मैं आपसे यूं कहूं कि अगर वो युद्ध नहीं हुआ होता तो आज भारत में ना ताजमहल होता ना लाल किला होता, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा एक युद्ध हुआ था जिसके कारण आज भारत में लाल किला और ताजमहल मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो उसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं और पानीपत का भी प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत के मैदान में तीन युद्ध हुए हैं। अगर हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो भारत में ऐसे कई सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन उसमें से पानीपत के जो युद्ध हुए हैं ना, उन्होंने भारत के इतिहास में एक अलग ही पहचान दी है। तो आज की वीडियो उसी पानीपत के युद्ध के बारे में होगी। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। ये बात उस समय की है जब भारत में इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था और बाबर काबुल का शासक हुआ करता था। लेकिन बात ये होती है कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था सिकंदर लोदी, वो एक बहुत ही इच्छापूर्ण व्यक्ति था। दरअसल इब्राहिम लोदी का भाई सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए वो क्या करता है, सारे राजपूतों को इकट्ठा करता है और अपने ही भाई के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। इस कारण से इब्राहिम लोदी अपने ही भाई सिकंदर लोदी से काफी नाराज हो जाता है और उसको हरा देता है। इस हार के कारण सिकंदर लोदी दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। इसके साथ ही बाबर, जिसकी उम्र मज 13 वर्ष ही थी, वो अपने पिता के मरने के बाद फरगना का शासक बनता है। लेकिन उसके बाद भी बाबर को फरगना पर कब्जा करने के लिए काफी ज्यादा लड़ाइयां करनी पड़ी थी, क्योंकि जो बाबर के चाचा थे वो भी फरगना पर कब्जा करना चाहते थे। इसके चलते वो बाबर के खिलाफ बार बार जंग छेड़ देते थे। आखिरकार सन 1504 में वो समय आ ही जाता है जब बाबर काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन बाबर काबुल पर भी अपना अधिकार करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। इसके बाद 1523 में इब्राहिम लोदी का भाई सिकंदर लोदी बाबर को भारत आने का न्योता देता है, जिसके चलते बाबर की नजर भारत पर पड़ती है और वो अपने सेना के साथ भारत की ओर कूच कर देता है। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी रियासतों को अपने अधिकार में कर लेता है और अपनी राह में आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते वो पानीपत तक आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना इब्राहिम लोदी से होता है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध होता है। ये जो पानीपत का एरिया है, ये वर्तमान में भारत के हरियाणा में पड़ता है। बात करें अगर बाबर की सेना की, तो बाबर के पास लगभग 25,000 के करीबन सेना थी। उसमें सारे सैनिक ही थे और उनके पास गोला बारूद भी था और अच्छे खासे तोपे भी थी। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी के पास भले ही 1,00,000 की सेना थी, लेकिन उनमें सब नौसिखिए थे और ये केवल भालों से और तलवारों से युद्ध करते थे। वैसे तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कोई भी राजपूत सैनिक शामिल नहीं था, लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ कई सारे तोमर राजपूत शामिल थे। बाबर अपनी युद्ध कौशलता के चलते इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है और इस तरह भारत में पहली बार मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। इब्राहिम लोदी के हार के साथ ही दिल्ली की सल्तनत में लोदी वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाबर के पास तो 25,000 की सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 लोगों की सेना थी, फिर भी वो कैसे हार गया? तो एक अच्छा राजा वही होता है जो कि चतुर होता है, चालाक होता है और समय के साथ अपनी सेना में परिवर्तन करता है। बाबर ने समय के साथ अपनी सेना में परिवर्तन किए। उसने केवल वही सैनिक रखे जो कि युद्ध लड़ सकते थे। उसने एनओसी के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल नहीं किया और उसने अपनी छोटी सी सेना में तोपखाना को भी शामिल किया था, जो उसकी जीत का प्रमुख कारण थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।